Hello and good morning everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 18 में, जहाँ हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन VCRS सिस्टम. सो ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन. आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज़ इन्हें एक बार पढ़ लीजिए. आई होप आप सभी ने इसको पढ़ लिया होगा. सो समरी ऑफ प्रीवियस लेक्चर, हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेस देखे थे. तो जैसा कि आप लोगों को मैंने समझाया था कि इम्पोर्टेंट फार्मूलेस में आपको COP, आपको पावर रिक्वायर्ड का फार्मूला, रेफ्रेटिंग इफेक्ट ये बहुत काम में आएगा, एंथैल्पी ऑफ थ्रोटलिंग भी काम में आएगा. इस लेक्चर में आप लोगों को कंप्रेसर आउटलेट, मतलब कंप्रेसर के आउटलेट में यहाँ पर जो एंथैल्पी होती है ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा. तो इसके लिए आपको ये फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी. H2 equals to H2 dash, मतलब ये H2 dash प्लस CP T2 minus T2 dash. T2 मतलब कौन सा है, यहाँ का टेम्परेचर 2 पॉइंट का, तो ये 2 पॉइंट का टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा माइनस T2 dash. ठीक है, और वैसे ही अंडर कूलिंग का भी हम एक प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. तो अंडर कूलिंग के टाइम पर भी आपको एक फॉर्मूला ये लगने वाला है. ठीक है, मतलब H3 equals to H3 dash माइनस CP T2 minus T2 dash. ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगेगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लर्निंग आउटकम्स, हम सॉल्व कर पाएंगे न्यूमेरिकल्स ऑन VCRS सिस्टम, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स. सो ये रहा आपका पहला प्रॉब्लम. अ रेफ्रिजरेंट सिस्टम यूजिंग R12 रेफ्रिजरेंट वर्क्स ऑन द वेपर कॉम्प्रेशन साइकिल. टेम्परेचर इन द कंडेंसर एंड इवेपोरेटर आर 37 डिग्री सेल्सियस एंड -18 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली. एंथैल्पी ऑफ R12 आफ्टर आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन इज 595.4 किलोजूल पर केजी. ठीक है, तो एंथैल्पी क्या बोला है, कॉम्प्रेशन के बाद में कितना है, 595.4 ये दिया है आपको. इफ द रेफ्रिजरेंट सर्कुलेटेड इज एट अ रेट ऑफ 100 kg per hour, 100 kg per hour आपको यहाँ पे क्या दिया है, मास दिया है. फाइंड करना बोला है, कैपेसिटी निकालो इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड पावर निकालो और COP भी निकालो. ठीक है, और अपने को pH चार्ट भी बनाने के लिए बोला है. शो द प्रोसेस ऑन pH चार्ट. यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी है अपने को. ठीक है, देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि HF और HG लिखा रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, तो चलो सबसे सिंपल सा प्रॉब्लम है, तो अपन लोग इसकी सबसे पहले PU और TS डायग्राम बना लेते. तो ये रहे आपका PH और TS डायग्राम. क्या बोला है, दो टेम्परेचर रेंजेस के बीच में काम कर रहा है. कौन सी टेम्परेचर रेंजेस है इसकी वाली, -18 and 37. इवोपरेटर के क्या है, -18. तो इवोपरेटर कौन सा टेम्परेचर पे है, -18, ये देखो. और कंडेंसर कौन सा है, 37 डिग्री सेल्सियस. तो 37 डिग्री सेल्सियस, तो -18 पे देखो प्रेशर कितना दिया है, इतना प्रेशर दिया है. ठीक है, लिखना पड़ेगा बेटा आपको डायग्राम में. 37 पे देखो प्रेशर कितना दिया है, 9.0726 लिख दिया यहाँ पर. ठीक है, अब अपने को इसकी प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे. कंडेंसर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, इवोपरेटर टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस, मास फ्लो रेट कितना दिया है, 100 kg per hour, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 16 into 60 कर दिया. ठीक है, एंथैल्पी निकालना पड़ेगा अपने को टेबल से. कैसे निकालेंगे भैया, पॉइंट है नंबर वन की एंथैल्पी कहाँ पे मिलेगी, पॉइंट नंबर वन कौन से टेम्परेचर पे, -18, ये -18, इस पे कहाँ पे है ये पॉइंट नंबर वन, सैचुरेटेड वेपर लाइन. और मैंने क्या बोला था, वेपर लाइन पे कौन सा रहेगा, जी. वेपर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, जी से. तो -18 पे जी वाला पॉइंट कौन सा है, ये 565. तो H1 कितना आ जाएगा, 565 kg पर किलोजूल पर kg. सेकेंड H2 के लिए देखो यहाँ पर कुछ दिया है क्या अपने को, H2 के लिए नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन में दिखा है कि आफ्टर आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन क्या दिया है, 595.4, तो अपने को दिया है H2. H3 कहाँ मिलेगा भैया अपने को, H3 कहाँ मिलेगा, 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, पॉइंट नंबर 3 कहाँ है, F पे है, ये फ्लूइड वाली लाइन है ना, फ्लूइड वाली लाइन पे. तो -37 पे F वाला पॉइंट कौन सा है, 455 आ गया. ये अपने को तीन एंथैल्पी मिल गई. ठीक है, अब कुछ कुछ लड़के क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होशियार के लगा देते हैं और दिमाग में क्या डाल देते हैं कि H2 पॉइंट क्या है भैया, 37 पे है, तो 37 पे H2 मतलब ये वाली लाइन कौन सी है, HG, तो ये वाला उठा के डाल देते हैं H2 में. तो बेटा ऐसा करने का
नहीं, क्यों नहीं करने का? क्योंकि ये जो अपने को लाइन दिए रहते हैं टेम्परेचर के, ये जो अपने को टेबल दिया रहता है, ये किसके लिए दिया रहता है? सिर्फ सैचुरेटेड कंडीशंस के लिए दिया रहता है। ये सैचुरेटेड कंडीशंस, ये लाइन के लिए दिया रहता है। ये लाइन के ऊपर इधर इधर साइड में, इधर साइड वालों के लिए है क्या? ये नहीं है। अगर ऐसे कंडीशंस अपने को नहीं दी रही और निकालना था, तो अपन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है? सो ये रहा डायग्राम, ये रहे अपने फाइंडिंग्स। तो अपने को क्या निकालना है? H4। तो H4 अपने को पता है H3 = H4 हो जाता है ना? तो H3 = H4 मिल गया अपने को। अब COP निकाल सकते हैं अपन लोग। रेफ्रेक्टिंग इफेक्ट, रेफ्रेक्टिंग इफेक्ट कैसे निकालेंगे? कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, H1 और H4 पे। मास इंटू H1 - H4, H1 * H4, ये इंटू आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने को वैल्यू मिल जाएगी रेफ्रेक्टिंग इफेक्ट की। रिफ्रेक्टिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देंगे 3.517, तो TR में वैल्यू आ जाएगी। पावर, पावर कहाँ मिलेगा? H2 - H1, मास इंटू H2 - H1, वैल्यू मिल जाएगी। वैसे COP, COP कैसे निकलेगा? दोनों का भी रेशियो, रिफ्रेक्टिंग इफेक्ट अपन वर्क ऑफ कंप्रेसर, ठीक है? तो ये अपने को वैल्यू मिल जाएगी COP की। सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है? अब कुछ धुरंधर बच्चे ऐसे रहते हैं जो मुझे पूछेंगे, यार सर आपने तो H1 - H4 / H2 - H1 का फॉर्मूला बताया था। तो भाई आप वो भी फॉर्मूला लगा लो, सेम आंसर आएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है? ये रहा आपका प्रॉब्लम। अ वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजेस R12 एज अ रेफ्रिजरेंट एंड लिक्विड इवोपरेट्स इन द इवोपरेटर एट -15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट एट द डिलीवरी फ्रॉम द कॉम्प्रेसर इज 15 डिग्री सेल्सियस। वेन द वेपर इज कंडेंस्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द COP इफ देर इज नो अंडर कूलिंग। पहला कंडीशन दिया बेटा, अगर अंडर कूलिंग नहीं रहा तो। नंबर टू, द लिक्विड इज कूल्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस बिफोर द एक्सपांशन बाय थ्रोटलिंग। मतलब अगर थ्रोटलिंग हो गई, मतलब एक अगर अंडर कूलिंग हो गई कितनी डिग्री सेल्सियस की? 5 डिग्री सेल्सियस की। स्पेसिफिकेट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दिया है फॉर वेपर और फॉर लिक्विड, और यहाँ पे आपको ये टेबल दिया है, ठीक है? तो देखो दो टेम्परेचर रेंजेस दिए हैं अपने को। एक है -15, -15 कहाँ रहेगा? इवोपरेटर की तरफ, और 10 डिग्री सेल्सियस कहाँ रहेगा? कंडेंसर की तरफ, ठीक है? तो ये दिया है अपने को। अब इसमें से देखो अपन H1 तो निकाल सकते हैं। H1 कहाँ रहेगा अपना वाला? H1 कहाँ रहेगा? चलो H1 कहाँ रहेगा भैया? ये अपने डायग्राम रहती है ऐसी, तो यहाँ पर रहेगा अपना H1, है ना? H1 कौन से? 15 डिग्री सेल्सियस पे, माइनस वेपर कंडीशन पे। तो ये अपने को H1 मिल गया, ठीक है? और यहाँ पे क्या बोला है कि ये -15 से 10 डिग्री सेल्सियस गया, लेकिन अपने को H2 की जो वैल्यू रहती है, यहाँ पे जो H2 की वैल्यू होती है, ऐसी जो लाइन हम बनाते हैं, तो यहाँ पे H2 होता है, H2 की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, तो वो अपने को पता करनी पड़ेगी। कैसे पता करेंगे भैया? तो उसके लिए उसने क्या दिया है? उसने टेम्परेचर दिया है कि ये कौन से टेम्परेचर तक गया है? ये 15 डिग्री सेल्सियस तक। तो T2 कितना दिया है? 15 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है? तो देखो पहली कंडीशन लिया मैंने, वेन देर इज नो अंडर कूलिंग, सो तो ये -15 डिग्री सेल्सियस, ये 10 डिग्री सेल्सियस इन दोनों टेम्परेचर के बीच में खेल रहा है, और ये कितना? 15 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर उठा। कितना? 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब अपना पहला काम क्या रहता है भैया? अपना पहला काम रहता है कि चारों एंथैल्पी पता कर लो, ठीक है? तो H1 तो हमने निकाल लिया। H1 कहाँ से निकाल लिया था? ये 180.88। H2 निकालना है। H2 के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि H2 + CP T2 - T2। तो H2 कितना आएगा? ये पॉइंट पे देखो, 10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे वेपर, 10 डिग्री सेल्सियस पे वेपर एंथैल्पी कितनी है? 191.76 डाल दिया। सीपी, सीपी किसका लेंगे भैया? तो इसका लेंगे, वेपर का, लिक्विड का नहीं लेने का। दो दो एसपी दिया है वहां पे अपने को, ठीक है? तो 0.64 × 15 - 10, 15 - 10 टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है? समझ में आया वैल्यूज कौन सी कैसी पुट करने की, ठीक है? तो इसको पुट कर दो तो आपको H2 मिल जाएगा, ठीक है?
H3 कहाँ मिलेगा? H3 अपने को लिक्विड लाइन पे मिलेगा। तो 10 डिग्री सेल्सियस पे देखो, 10 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड 45.4 मिल गया H3। H1, H2, H3 मिल गया, तो H4 अपने आप मिल जाएगा। H3 इक्वल टू H4 होता है, पता है अपने को, ठीक है। तो COP निकालना है, तो COP का फॉर्मूला वही, रेफिटिंग इफेक्ट अपन वर्क ऑफ कंप्रेसर, लगा दो इसमें, वैल्यू पुट अप कर दो और आंसर निकाल लो। प्रॉब्लम खत्म, नहीं हुआ। अपने को सेकंड कंडीशन भी दिया था, क्या बोला था? अगर अंडर कूलिंग हुई तो, अंडर कूलिंग कितने डिग्री सेल्सियस बोला उसने? 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस की अंडर कूलिंग का डायग्राम बना लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर मेरे को देखो H3 पॉइंट पता है क्या? नहीं पता, तो H3 पॉइंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज हो गया भैया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज से अपन ने H1 तो निकाल लिया था, ठीक है, H2 भी निकाल लिया था, H3 निकालना पड़ेगा। H3 कैसे निकालेंगे? सब कूलिंग का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। सब कूलिंग का फॉर्मूला क्या है? H3 डैश। H3 डैश कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? 10 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड। 10 डिग्री सेल्सियस पे देखो लिक्विड कितना है? 45.4। तो 45.4 माइनस CP। CP कौन सा लेंगे? लिक्विड का लेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस 10 माइनस 5, ये 10 और सबकुल कितना हो रहा? 5। तो 10 माइनस 5 डिफरेंस कितना आएगा? 5, ठीक है। ये सबकुलिंग का डिफरेंस भी आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, ये डायरेक्ट ही दिया रहता है। कितना आ गया? 5। तो ये कितना अवेलेबल आ गया अपने? 40.7 किलो जूल पर केजी केल्विन। H3 मिल गया तो H4 भी सेम मिलेगा, है ना। H3 इक्वल टू H4। तो COP का फॉर्मूला वही फॉर्मूला इसमें पुट कर दो, तो अपने को वैल्यू मिलेगी 9.95। तो देखो जब आपने सबकूल किया तो आपकी COP बढ़ गई, अगर आपने सबकूल नहीं किया था तो आपकी COP क्या थी? थोड़ी सी कम थी, ठीक है। तो अगर आप सबकूलिंग करते हो तो आपकी COP हमेशा बढ़ती है, ये इस प्रॉब्लम से समझाने का उद्देश्य था। आई होप सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो, इसमें सिर्फ दो नए फॉर्मूले लगे हुए हैं, ठीक है। सो यूनिट आउटकम्स अचीव्ड, ये हम सॉल्व कर पाए न्यूमेरिकल ऑन विशेष सिस्टम, ठीक है। ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है मोस्ट लाइकली क्वेश्चन के लिए, कि दो प्रेशर रेंजेस दिया है 2.5 और 9 बार। तो 2.5 और 9 बार का प्रेशर रेंज दिया है। कॉम्प्रेशन इज आइसेंट्रॉपिक एंड नो अंडर कूलिंग। देखो यहाँ पे अंडर कूलिंग नहीं बोला है। द वेपर इज ड्राई एंड सेचुरेटेड एट द बिगनिंग ऑफ कॉम्प्रेशन, मतलब सिंपल वाली डायग्राम, ठीक है। ड्राई एंड सेचुरेटेड कंडीशन पे बोला बिगनिंग में एकदम, ठीक है। एस्टिमेट करो बोले COP, COP निकाल लेने का डायरेक्ट, उससे COP निकाल लेंगे। उसके बाद क्या बोला? इफ एक्चुअल COP 0.65 ऑफ थियोरेटिकल COP। एक्चुअल COP कितना है? 0.65 है, तो उसको 0.65 से मल्टीप्लाई कर देने का, तो अपने को एक्चुअल COP मिल जाएंगी, ठीक है। फिर क्या बोला? नेट कूलिंग निकालो बोले। उसके बाद नेट कूलिंग प्रोड्यूस पर आर, मतलब अपने को क्या निकालना है? नेट कूलिंग निकालना है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालना है अपने को, ठीक है। और मास भी दिया अपने को 5 kg/min। तो एक्चुअल COP के हिसाब से तुम्हारी नेट कूलिंग कितनी आएंगी आपको वो निकाल के दिखाना है, ठीक है। सिंपल सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।